हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल कैप्सूल। तो आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एसी फंडामेंटल का पार्ट 5। इससे पहले एसी फंडामेंटल के पार्ट 4 तक हम लोग कर चुके हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर के उस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करेंगे हम लोग। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें, अगर आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोई भी जॉब अपडेट, स्टडी मटेरियल या फिर PDF चाहिए तो आपको इलेक्ट्रिकल कैप्सूल की ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा, जिसका कि लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो चलिए हम लोग एसी फंडामेंटल के पार्ट 5 में स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 86 से। क्वेश्चन बोल रहा है, द सेफेस्ट वैल्यू ऑफ करंट द ह्यूमन बॉडी कैन कैरी फॉर मोर देन 3 सेकेंड। क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको करंट के सेफेस्ट वैल्यू क्या होनी चाहिए जो कि ह्यूमन बॉडी है 3 सेकेंड तक सहन कर सकता है, यानी कि कैरी कर सकता है। तो जो इसका आंसर होगा 9 mA, यानी कि 9 mA का जो करंट है ह्यूमन बॉडी जो है कि 3 सेकंड तक आपका सहन कर सकता है। उसके बाद कभी कभार ये भी को एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ह्यूमन बॉडी का आपका रेजिस्टेंस कितना होता है। तो ह्यूमन बॉडी का जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है आपकी 1000 ओम होता है। तो सेफेस्ट वैल्यू आपकी 9 mA होती है जो कि ह्यूमन बॉडी 3 सेकंड तक सहन कर सकता है, और ह्यूमन बॉडी का रजिस्टेंस कितना होता, 1000 ओम। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86। ए प्योर इंडक्टेंस कनेक्टेड अक्रॉस 250 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई कंज्यूम्स 100 वाट। तो यहाँ क्वेश्चन में लिखा गया है कि कोई इंडक्टेंस है, प्योर इंडक्टर है, जो कि आपका 250 वोल्ट और 50 हर्ट्ज सप्लाई के अक्रॉस क्या है, कनेक्टेड है। मान लेते हैं कि ये क्या सप्लाई है हमारा, और ये हमारा इंडक्टर है, ठीक है, और यह 250 वोल्ट की सप्लाई है और 50 हर्ट्ज की क्या हमारी सप्लाई है। तो बोला गया है कि ये जो इंडक्टर है आपका 100 वाट का क्या है, पावर को कंज्यूम करता है। लेकिन हम लोग को पता है कि अगर हम कोई इंडक्टर हो, अगर हम उसको सप्लाई दे रहे हैं, तो फर्स्ट क्वार्टर साइकिल में क्या करता है, इंडक्टर पावर को तो लेता है, लेकिन सेकंड क्वार्टर साइकिल में आपको इंडक्टर जो है का पावर को सप्लाई को रिटर्न कर देता है। मतलब कि इंडक्टर जो है कि पावर को कंज्यूम नहीं करता है, वो सिर्फ पावर का एक्सचेंज करता है, यानी कि फर्स्ट क्वार्टर साइकिल में आपका पावर लेगा और सेकंड क्वार्टर साइकिल में पावर को रिटर्न, आपको सप्लाई को रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पर लिखा गया है क्वेश्चन में कि आपका जो इंडक्टर है, प्योर इंडक्टर है, आपका 100 वाट क्या कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है। तो स्टेटमेंट ही क्या है, रॉन्ग है। फिर लिखा गया दिस एज कंजम्पशन कैन बी एट्रीब्यूटेड टू, तो स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट, यानी कि द स्टेटमेंट गिवन इज फॉल्स, स्टेटमेंट क्या है, गलत है। इंडक्टर ओनली पावर का एक्सचेंज करता है, न कि कंज्यूम करता है। अगर पावर के कंज्यूम करने की बात करें तो जो रजिस्टर होता है हमारा, अगर रजिस्टेंस की वैल्यू दी होती तो रजिस्टर क्या करता है, पावर को कंज्यूम करता है। तो हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 क्या बोला गया है, द इनपुट ऑफ एन एसी सर्किट हैविंग पावर फैक्टर ऑफ 0.8 लैगिंग। पावर फैक्टर किसे डिनोट करते हैं, कॉस फाई से। तो यहाँ पर जो कॉस फाई की वैल्यू क्या दी गई है, 0.8 दी गई है, ओके। उसके बाद लिखा गया 40 kVA, तो 40 kVA की वैल्यू क्या दी गई, यानी कि यहाँ पर एस दिया गया है, एस की वैल्यू क्या है, 40 kVA दिया गया है। अब यहाँ पर वोल्ट एम्पियर है, अब वोल्ट एम्पियर यानी कि कैसा पावर है, अपरेंट पावर है, इसलिए एस से हम डिनोट कर रहे हैं, क्योंकि अपरेंट पावर की यूनिट क्या होती है, वोल्ट एम्पियर होती है। तो यहाँ से हम लोग क्या ले लेंगे, एस की वैल्यू 40 kVA दिया गया है। अब द पावर ड्रॉन बाय द सर्किट, यानी कि पावर पूछा जा रहा है, यानी कि एक्टिव पावर पूछा जा रहा है, पी की वैल्यू पूछी जा रही है, तो पी की वैल्यू क्या होगी, तो एस की वैल्यू दिया है, कॉस फाई के दिया है, पी की वैल्यू निकल जाएगी आसानी से, यहाँ से ऐसे निकलेगी, कॉस फाई की वैल्यू होती है पी अपान एस, एक्टिव पावर अपान अपरेंट पावर, तो यहाँ से पी इक्वल टू हो जाएगा एस इंटू कॉस फाई। तो एस की वैल्यू आपका 40 दिया गया है और पावर फैक्टर की वैल्यू है 0.8, तो यहाँ सब जब मल्टीप्लाई करोगे तो जो निकल के आएगा 32.0 kW। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर 88 का, ओके। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब यहाँ पर क्या लिखा गया है, क्वेश्चन नंबर 89 क्या है, क्वेश्चन नंबर 89 ये है कि द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ एन आयरन कोर्ड चोक वर्किंग ऑन ऑर्डिनरी सप्लाई फ्रिक्वेंसी इज मोर देन इट्स टू रेजिस्टेंस। पहले क्वेश्चन का मीनिंग समझते हैं। बोलाया गया है कि मान लेते हैं कोई एक क्या है, आयरन का एक कोर है, सपोज करते हैं क्या है, आयरन का कोर है, ओके, आयरन का कोर है। बोला गया है जब इसको
वर्किंग कंडीशन, यानी कि जब इसको सप्लाई दी जाती है, सपोज करते हैं बाइंडिंग है, ठीक, बाइंडिंग की गई है यहाँ पर, ठीक, बाइंडिंग करेंगे हम लोग कोर में, यहाँ पर सप्लाई देंगे, यानी कि वर्किंग कंडीशन में है, तो बोला ये गया है कि जब वर्किंग कंडीशन में इसका जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस कुछ होगा, वर्किंग कंडीशन में इफेक्टिव जो रेजिस्टेंस होगा वर्किंग कंडीशन में, उसके सप्लाई देने से पहले जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, अधिक होगा, यानी कि इफेक्टिव रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, सप्लाई देने से पहले जो रेजिस्टेंस है उससे क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो कैसे ज़्यादा होगी और क्यों ज़्यादा होगी, इसको हम लोग देखते हैं। अब मान लेते हैं हमारा क्या है, कोर है, आयरन क्या है, कोर है, ठीक, आयरन कोर हम लोग मान लेते हैं, ओके। अब इसको हम लोग वर्किंग में लाना है, तो हम लोग इसमें बाइंडिंग की रही होगी, ठीक है, यहाँ पर बाइंडिंग की रही होगी, वो बाइंडिंग, ठीक। अब यहाँ क्या पर है हमारा, आयरन कोर है, यहाँ पर हमारा आयरन कोर है। अब यहाँ हम सप्लाई देंगे, सप्लाई दिया हमने, तब इसमें क्या होगा, सप्लाई देंगे वर्किंग कंडीशन में आएगा, तो कुछ लॉस होगा इसमें, तो इसमें जब लॉस होगा तो यहाँ पर इस लॉस को हम लोग बोलेंगे आयरन लॉस, ओके, आयरन लॉस बोलेंगे। और आयरन लॉस जब होगा, और आयरन लॉस क्या क्या होते हैं, एडी करेंट लॉस होगा और हिस्टेरेसिस लॉस होगा, ओके, एडी करेंट लॉस और हिस्टेरेसिस लॉस। अब इस लॉस की वजह से कोर क्या होगा, कोर हीट होगा, कोर हीट होगा, हीट होने का मतलब क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ने का मतलब क्या होगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारी क्या होगी, बढ़ेगी। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस आ रही है वर्किंग कंडीशन में, इंक्रीज कर जा रही है, क्यों, क्योंकि इस आयरन में हमारा लॉस होगा, आयरन लॉस होगा तो हीट बढ़ेगा, हीट बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा रेजिस्टेंस बढ़ेगा, क्योंकि टेम्परेचर जो रेजिस्टेंस होता है हमारा पॉजिटिव टेम्परेचर कॉफिशियंट शो करता है, तो हीट बढ़ने से टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़े, तो हमारा जो इसमें इफेक्टिव रेजिस्टेंस है क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो क्यों बढ़ा, क्योंकि इसमें आयरन लॉस हो रहा है, तो आयरन लॉस होने की वजह से जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है जो हमारी, वो ट्रू रेजिस्टेंस के से ज़्यादा हो जाएगी। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90। इन एन एसी सर्किट ए लो वैल्यू ऑफ केवीआर, केवीआर लिखा गया, यानी कि वोल्ट एम्पियर लिखा गया है। तो वोल्ट एम्पियर किसकी यूनिट होती है, यस की यूनिट होती है, यानी कि अपरेंट पावर की। तो यहाँ पर अपरेंट पावर की वैल्यू क्या दी हुई है, लो दी हुई है, ओके। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे, कंपेयर्ड विथ किलो वाट यूनिट्स। अब यहाँ किलो वाट दिया हुआ है, यानी कि किलो वाट के कंपेयर में हमारा जो अपरेंट पावर है वो क्या है, लो है, ठीक है। ये किलो वाट को क्या हम लोग किसकी यूनिट होती है, एक्टिव पावर की, पी की यूनिट होती है, ओके। तो यहाँ पूछा गया है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा, लो एफिशिएंसी होगा कि हाई पावर फैक्टर होगा, कि यूनिटी पावर फैक्टर होगा, कि मैक्सिमम लोड करंट होगा। तो हम लोग क्या जानते हैं, कॉस फाई, यानी कि पावर फैक्टर की वैल्यू होती है पी बाई एस, ओके। यस की वैल्यू क्या दी गई यहाँ पर, यहाँ पर जो है यस की वैल्यू क्या दी गई है, लो दी गई है, एज कम्पेयर टू एक्टिव पावर, यानी कि किलो वाट। तो अगर यस लो होगा तो कॉस फाई के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ पर कॉस फाई की वैल्यू यानी पावर फैक्टर की वैल्यू क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी, यानी कि हाई पावर फैक्टर। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ओके। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 91। अब क्वेश्चन नंबर 91 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 91 है, इन एसी सर्किट्स लैमिनेटेड आयरन इज इनवेरिएबली यूज इन ऑर्डर टू। अच्छा, तो जो लैमिनेटेड आयरन यूज क्यों करते हैं हम लोग, तो सिंपल सी बात है, क्यों करते हैं हम लोग, एडी करेंट लॉस को क्या करने के लिए, कम करने के लिए करते हैं, ओके, इसलिए हम लोग लैमिनेट करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92। 92 है द रेशियो ऑफ एक्टिव पावर टू अपरेंट पावर। एक्टिव पावर को डिनोट करते हैं पी से, टू अपरेंट पावर को डिनोट करते हैं यस से, और एक किसकी वैल्यू होती है, कॉस फाइव की वैल्यू होती है, कॉस फाइव बिल मीन्स पावर फैक्टर। तो ये क्या हो जाएगा, पावर फैक्टर, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 क्या दिया हुआ है, ऑल डिफिनीशंस ऑफ पावर फैक्टर ऑफ ए सीरीज आरएलसी सर्किट आर करेक्ट एक्सेप्ट। तो पावर फैक्टर के बारे में बात की गई है, कि सीरीज आरएलसी सर्किट के पावर फैक्टर के बारे में एक इसमें से कौन सी डिफिनेशन जो है कि गलत है। तो हम लोग पहले से बारी बारी से देखते हैं, तो हम लोग क्या जानते हैं, कॉस फाइव इक्वल टू क्या होता है, आर बाई जेड होता है, ये हम लोग जानते हैं, तो ऑप्शन सी इज राइट हो गया। अब हम लोग एक और क्या जानते हैं, कॉस फाइव यानी कि पावर फैक्टर क्या होता है, पी बाई एस, यानी कि एक्टिव पावर बाई अपरेंट पावर, और पी की यूनिट क्या होती है, वाट होती है, वाटफुल पावर इसीलिए बोलते हैं हम लोग इसको, और एस की यूनिट क्या होती है, वोल्ट एम्पियर होती है, ओके। तो वाट डिवाइडेड बाई वोल्ट एम्पियर, तो ऑप्शन डी इज राइट,
वाट एंड वोल्ट एम्पियर। ठीक, अब वाट को अगर हम लोग किलो वाट में लिख दें, लिख सकते हैं। अब वोल्ट, अगर इसको हमने किलो वाट में कन्वर्ट किया तो हमने वोल्ट एम्पियर को भी किलो वोल्ट एम्पियर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो किलो वाट डिवाइडेड बाई किलो वोल्ट एम्पियर, तो इसका रेशियो हो गया। तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर, बी सी डी राइट हो गया। इसका मीन्स ये हो गया कि ऑप्शन ए इज रॉन्ग, मतलब कि ऑप्शन ए आपका क्या है, गलत है। तो ये जो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 93 का, ये हो जाएगा ए, रेशियो ऑफ नेट रिएक्टेंस एंड इम्पिडेंस, मतलब ये पावर फैक्टर की जो क्या होती है, वैल्यू नहीं होती है, और बी सी डी होती है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94 क्या दिया गया है, द अपरेंट पावर ड्रॉन बाई एन ए सी सर्किट इज 10 kVA। यस की वैल्यू कितनी दी हुई है, वोल्ट एम्पियर, 10 kV एम्पियर, यस इजकल टू 10 kVA दिया हुआ है। एंड एक्टिव पावर इज 8 kW, एक्टिव पावर को किससे डिनोट करते हैं, पी से, इसकी वैल्यू दी हुई है 8 kW। पूछा गया है द रिएक्टिव पावर इन द सर्किट इज, रिएक्टिव पावर को किससे डिनोट करते हैं हम लोग, क्यू से। ओके, अब हम लोग क्या जानते हैं, अब यहाँ पर हम लोग इम्पिडेंस ट्रायंगल बना लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर होता है हमारा, ये होती है पी, ये होती है क्यू, ये होता है हमारा यस, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, अपरेंट पावर। ओके, तो यहाँ यस की वैल्यू क्या हो जाती है, हम लोग फाइंड किया गया है यस स्क्वायर इक्वल टू होता है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अब क्यू की वैल्यू पूछी जा रही है, तो क्यू स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा यस स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो अपरेंट पावर की वैल्यू क्या दी हुई, पावर की यस की वैल्यू 10, तो 10 का स्क्वायर, ओके, माइनस पी, पी यानी कि एक्टिव पावर, एक्टिव पावर की वैल्यू कितनी दी गई है, 8 kW, तो 8 का स्क्वायर। तो यहाँ पर आप जब कैलकुलेट करोगे तो 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, 100 माइनस 64 इज इक्वल्स टू 36, यानी कि क्यू स्क्वायर इक्वल टू आ गया 36, मीन्स क्यू इक्वल्स टू 6 kVAr। रिएक्टिव पावर की वैल्यू कितनी आ गई, 6 kVAr, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 95 बोला गया है, द रिएक्टेंस ऑफर्ड बाई ए कैपेसिटर टू अल्टरनेटिंग करेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी 50 Hz इज 20 ओम। बोला गया कि कोई कैपेसिटर है जिसके एक्रॉस की हमारा क्या रिएक्टेंस की वैल्यू क्या की गई है, दी गई है 50 Hz फ्रीक्वेंसी पे, हमारे क्या रिएक्टेंस दिया गया 20 ओम। तो बोला क्या है, इफ द फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीज टू 100 Hz, यानी कि फ्रीक्वेंसी को बढ़ा करके कितना कर दिया जा रहा है, 100 Hz कर दिया जा रहा है, तो रिएक्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी। इस क्वेश्चन को हमने एसी फंडामेंटल के पार्ट वन में देखा था, फिर भी हम इसको थोड़ा सा बता देते हैं इसको। अब यहाँ पर क्या होता है, एक्सी यानी कि कोई कैपेसिटर है उसके अक्रॉस रिएक्टेंस की वैल्यू क्या होती है, 1/2 πfc होती है। तो यहाँ से हमें 50 Hz पर निकालना है, तो 50 Hz पर निकालना, तो एफ की वैल्यू 50 रख देंगे, और 50 Hz पर हमारी रिएक्टेंस की वैल्यू कितनी दी, 20, तो 20 इज इक्वल्स टू क्या दे देगा, 1/2 πfc। एफ की वैल्यू 50 रख दिया हमने, सी को सी रख दिया, तो मान लेते हैं इक्वेशन वन हो गया। अब इक्वेशन वन हो गया, अब इक्वेशन टू को हम जनरेट करते हैं। अब लिखा है इफ द फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीज टू 100 Hz, अब सपोज करते हैं एक्स इजकल टू क्या होता है, 1/2 πfc होता, मान लेते हैं कि एफ की वैल्यू 100 कर दिया गया, तो यहाँ 1/2 πfc एफ की वैल्यू 100 आप रखेंगे, फिर सी की कुसी, या मान लेते हैं कि यह 100 फ्रीक्वेंसी पे हमारी जो रिएक्टेंस की वैल्यू कितनी हो जा रही है, यक्स 100। अब दैट इज सेकंड इक्वेशन, अब इक्वेशन वन को इक्वेशन टू से आप डिवाइड करोगे तो जो निकल के आएगा ये आएगा 20/100 इजिकल्स टू 1/2 πfc डिवाइडेड बाई 1/2 πx100 × c। 2π से 2π कैंसिल, सी से सी कैंसिल, आउट हो गया। ओके, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 100 ऊपर चला जाएगा, मतलब कि 100 डिवाइडेड बाई 50, तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, मीन्स ये हो जाएगा 20/100 इजिकल्स टू हो जाएगा 2। अब यहाँ से हमारा एक्स 100 की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स 100 इजिकल टू, एक्स 100 को इधर ट्रांसफर कर देंगे, 2 को इधर, तो हो जाएगा 20/2, ये हो जाएगा हमारा 10 ओम। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, यानी कि हमारा कितना आंसर आ जाएगा, 10 ओम आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 96 जो क्या दिया गया है, व्हाट विल बी द फेज एंगल बिटवीन टू अल्टरनेटिंग वेव्स ऑफ इक्वल फ्रिक्वेंसी।
यानी कि दो अल्टरनेटिंग वेव है जिनकी की फ्रिक्वेंसी क्या है, सेम है, तो उनके बीच में फेज एंगल की वैल्यू पूछी गई है क्या होगी। अगर वन वेव अटेंड्स मैक्सिमम वैल्यू, यानी कि एक वेव है जो कि आपकी मैक्सिमम वैल्यू अटेंड कर रही है और दूसरी की अटेंड कर रही है, जीरो वैल्यू अटेंड कर रही है, तो दोनों के बीच में फेज एंगल क्या होगा। ओके, तो हम लोग देखते हैं, एग्जाम्पल लिख लेते हैं, सिंपल सा एग्जाम्पल है। एक मान लेते हैं साइन वेव है, ओके, और एक हमारा एक कोसाइन वेव है, ये कोसाइन वेव है। अब इन दोनों एंगल के बीच में क्या है, ये मान लेते हैं ये फर्स्ट वेव है, ये क्या है, सेकंड वेव है। अब इन दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस है, फेज एंगल कितना है, 90 डिग्री है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो अगर फर्स्ट वेव क्या मैक्सिमम वैल्यू अटेंड कर रही है, यहाँ पर फर्स्ट वेव क्या मैक्सिमम है, लेकिन जो सेकंड वेव कितनी है, जीरो वैल्यू है। ओके, तो यहाँ दोनों के बीच में फेज एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। यानी कि अगर दोनों के बीच में फेज एंगल 90 डिग्री होगा, तो अगर एक वेव है जो मैक्सिमम वैल्यू अटेंड करेगी तो दूसरी की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। तो ऑप्शन सी इज क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 97, द पर्पज ऑफ ए पैरेलल सर्किट रेजोनेंस इज टू मैग्नीफाई। अब यहाँ पर जो पैरेलल रेजोनेंस सर्किट किसका मैग्नीफिकेशन करता है, तो ये मैग्नीफिकेशन करता है आपका करंट का। हम लोग इसको ऐसे समझ सकते हैं कि पैरेलल में क्या होता है, करंट डिफरेंट होता है बट वोल्टेज क्या होता है, सेम होता है। तो यहाँ पर जो पैरेलल रेजोनेंट सर्किट हमारे किसके मैग्नीफाई करेगी, करंट का मैग्नीफिकेशन करेगा। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 है, इन एन एसी सर्किट पावर इज डिसिपेटेड इन। अच्छा, मान लेते हैं कोई रेजिस्टेंस है, कोई सप्लाई के अक्रॉस कनेक्टेड है, ठीक है। अब यहाँ पावर देते हैं, ठीक है, तो पावर देंगे तो रेजिस्टेंस क्या करेगा, पावर को क्या करेगा, एक्टिव पावर को कंज्यूम करेगा, ठीक है। पावर को कंज्यूम करेगा तभी तो ये पावर को डिसिपेट करेगा, ठीक है। तो पावर को डिसिपेट कौन करता है, ओनली रेजिस्टेंस, ओनली, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। इसके अलावा अगर यहीं पर इंडक्टेंस की अगर वैल्यू देख लें, इंडक्टर की वैल्यू देख लें या फिर कैपेसिटर की वैल्यू देख लें, तो इंडक्टर और कैपेसिटर पावर को क्या करते हैं, हाफ क्वार्टर साइकिल में, क्या करते हैं, पावर को लेते हैं और सेकंड क्वार्टर साइकिल में पावर को क्या, सप्लाई को रिटर्न कर देते हैं। और इस तरह से पावर को कंज्यूम नहीं करते हैं, पावर का केवल ये क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो डिसिपेशन के बारे में अगर बात की जाए पावर के, तो सिर्फ रेजिस्टेंस होगा और इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस क्या, सिर्फ पावर का एक्सचेंज करते हैं। तो ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 96, 99 है। इन ए पैरेलल आरसी सर्किट द करेंट ऑलवेज डैश द अप्लाइड वोल्टेज। अब यहाँ पर आरसी सर्किट है, अब यहाँ किसी सप्लाई के एकरास क्या है, कनेक्टेड है, ये आर है, ये क्या सी है। अब आर के एकरास क्या होगा, करंट और वोल्टेज, इसमें आर में क्या होगा, करंट और वोल्टेज क्या होगा, सेम फेज में होंगे। लेकिन अगर कैपेसिटर के एकरास देखा जाए तो कैपेसिटर के एकरास क्या होगा, हमारी जो वोल्टेज होगी और करंट होगी दोनों के बीच में क्या होगा, लीड करेगा। यहाँ पर कैपेसिटेंस के अक्रॉस हमारा जो करंट क्या करेगी, लीड करेगी। तो यहाँ पर ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। पैरेलल आरसी सर्किट में हमारा जो करंट होता है लीड्स द अप्लाइड वोल्टेज। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 क्या दिया गया, एट वेरी लो फ्रिक्वेंसीज ए सीरीज आरसी सर्किट बिहेव्स एज ऑलमोस्ट। अच्छा, अब यहाँ पर दिया सीरीज आरसी सर्किट है। अब सपोज करते हैं कोई आरसी सर्किट है इस तरह का। अब यहाँ हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको सप्लाई दे रहे हैं, ये आर है, ये सी है। आर क्या करेगा, पावर को कंज्यूम करेगा या फिर डिसिपेट करेगा। सी के एकरास क्या होगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस होगा, नहीं सॉरी, कैपेसिटिव रिएक्टेंस होगा। यहाँ पर कैसा रिएक्टेंस होगा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस होगा, क्योंकि सी है। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू क्या होती है, एक्स इजकल टू होती है 1/2 πfc होता है, ठीक। अब बोला गया एट वेरी लो फ्रिक्वेंसी, फ्रिक्वेंसी को क्या किया गया है, लो कर दिया गया है। यहाँ कैपेसिटिव की वैल्यू क्या हो जाएगी, कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। यानी कि सर्किट का नेचर कैसा हो जाएगा, सर्किट का नेचर हमारा कैसा हो जाएगा, कैपेसिटी हो जाएगा। यानी कि 100 का जो आंसर होगा सी होगा, वो राइट होगा। ओके, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 101 देखते हैं। बोला गया है स्किन इफेक्ट अकर्स वेन ए कंडक्टर कैरीज करेंट एट डैश फ्रिक्वेंसी। अब इसको हम लोग समझते हैं पहले स्किन इफेक्ट होता क्या है।
अगर स्किन इफेक्ट को समझें तो सपोज करते हैं कि हमारी एक कंडक्टर है, ओके, ये क्या हमारी एक कंडक्टर है, ठीक है। सपोज करते हैं इसमें हमने अरे आई करंट की सप्लाई दी हुई है, एसी करंट की सप्लाई हमने दी हुई है, तो अब इसमें करंट फ्लो करती है। अब होता क्या है कि इसमें जो करंट का फ्लो होता है, करंट का फ्लो होता है जो कि इसके कंडक्टर के पूरे एरिया में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट ना हो करके इसके सरफेस की तरफ क्या होता है, करंट फ्लो होता है। सरफेस की तरफ क्या होता है, करंट ज़्यादा फ्लो होता है, ठीक है। मतलब नियर टू द सरफेस करंट का फ्लो होना, पूरे एरिया में फ्लो ना होकर के इसके नियर टू द सरफेस में करंट का फ्लो होना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्किन इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। ये होता है स्किन इफेक्ट। अब हम लोग देखते हैं कि स्किन इफेक्ट किस पे क्या करता है, डिपेंड करता है। तो स्किन इफेक्ट अगर डिपेंड करने की बात करें तो पहला तो फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड करता है, दूसरी किस पे डिपेंड करती है, आपका कंडक्टर का जो डायमीटर है, कंडक्टर के डायमीटर पे आपका डिपेंड करता है स्किन इफेक्ट, और तीसरी क्या है, परमिएबिलिटी पर आपका क्या करता है स्किन इफेक्ट डिपेंड करता है, परमिएबिलिटी पर डिपेंड करता है। तो अगर हम यहाँ फ्रिक्वेंसी को बढ़ाएं तो स्किन इफेक्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो स्किन इफेक्ट क्या करता है, हाई फ्रिक्वेंसी पर होता है। तो अगर किसी कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है तो उसमें अगर फ्रिक्वेंसी हाई है तो यहाँ स्किन इफेक्ट क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाई फ्रिक्वेंसी। 101 का ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, यानी कि स्किन इफेक्ट अकर्स वेन ए कंडक्टर कैरीज करंट एट हाई फ्रिक्वेंसी। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 102 को देखते हैं। 102 में दिया गया है, एट डैश फ्रिक्वेंसीज द पैरेलल आरएल सर्किट बिहेव्स एज प्योरली रजिस्टिव। किस फ्रिक्वेंसी पे बोला गया है कि आरएल पैरेलल सर्किट है जो कि प्योरली रजिस्टिव बिहेव करेगा। तो सपोज करते हैं कि कोई पैरेलल आरएल क्या है, सर्किट है, कुछ इस तरह का सर्किट है हमारा, ठीक है, आर है, एल है। बोला गया है कि किस फ्रिक्वेंसी पर, यानी कि फ्रिक्वेंसी हाई होनी चाहिए कि या लो होनी चाहिए। तो अगर हम बात करें तो आपके बुक में वैसे तो आंसर डी दिया गया है, लेकिन हमारे हिसाब से जो आंसर होना चाहिए यहाँ पर आपका लो होना चाहिए, क्योंकि अगर एक्सएल इज इक्वल टू 2 पाई FL करेंगे हम लोग, तो यहाँ पर अगर फ्रिक्वेंसी को लो करेंगे तो इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू लो होगी, इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू लो होगी, यानी कि यहाँ पर इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू लो हो जाएगी, यानी कि सर्किट का नेचर कैसा होना चाहिए, रजिस्टिव होना चाहिए। लेकिन आपके बुक में जो आंसर दिया गया है हाई फ्रिक्वेंसी पे दिया गया है, तो जैसा भी हो आप उसको देख लेना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 103। इन ए साइन वेव द स्लोप इज कॉन्स्टेंट। अच्छा, अब साइन वेव में स्लोप जो है कि कब कॉन्स्टेंट होता है, तो अगर हम साइन वेव की बात करें, साइन वेव यहाँ पर ही है, ठीक, ये साइन वेव है, ठीक है। तो अब इसमें स्लोप किसी पॉइंट पे कांस्टेंट है, यहाँ पर स्लोप कुछ और होगा, यहाँ पर किस कुछ और होगा, यहाँ पर स्लोप कुछ और होगा, इस पॉइंट पे स्लोप कुछ और होगा, तो यहाँ पर स्लोप क्या है, कांस्टेंट नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, 103 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि नो वेयर कहीं भी यहाँ पर स्लोप क्या है, कॉन्स्टेंट नहीं है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 104। बोला गया है द पावर इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ डेसिबल इन केस ऑफ। अब हम लोग यहाँ देखते हैं कि डेसिबल होता क्या है। जो डेसिबल होती है हमारी, डेसिबल किसकी यूनिट होती है, साउंड की यूनिट होती है। ओके, अब साउंड क्या है, साउंड क्या है, एक सिग्नल है। ओके, साउंड क्या है, एक सिग्नल है, और इस सिग्नल का हम लोग यूज कहाँ करते हैं, सिग्नल का यूज हम लोग या तो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट में करते हैं, या फिर हम लोग कहाँ करते हैं, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में करते हैं। तो जो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट। डेसिबल है तो डेसिबल जो यूनिट होती है साउंड की, साउंड एक तरह की सिग्नल है, और सिग्नल का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट करेंगे या फिर कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 104 का सी, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 106। बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स पर्टेंस टू रजिस्टर ऑनली। यानी कि चार स्टेटमेंट दिया गया है, उसमें से कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो कि रजिस्टर के लिए राइट है। तो फर्स्ट ऑप्शन अगर पढ़ें हम लोग, लिखा गया है कैन डिसिपेट कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ पावर, यानी कि जो रजिस्टर है आपका जो है कि पावर का क्या करता है, डिसिपेट करता है, तो राइट है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कोई सर्किट अगर उसमें रजिस्टर है तो पावर का क्या करेगा, कंज्यूम करेगा, पावर का कंज्यूम करेगा, यानी कि मतलब कि पावर का डिसिपेट भी करेगा। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा।
ओके, अब हम लोग ऑप्शन बी देखते हैं। कैन एक्ट एज एनर्जी स्टोरेज डिवाइस, ये गलत है, कोई एनर्जी स्टोर नहीं करेगा। कनेक्टिंग देम इन पैरेलल इंक्रीजेज द टोटल वैल्यू, गलत है, पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो और वैल्यू कम हो जाती है। ओके, अब ऑप्शन नंबर डी क्या है, अपोज सडन चेंज इन वोल्टेज। तो सडन चेंज इन वोल्टेज कौन अपोज करता है, तो सिर्फ कैपेसिटर करता है। ओके, तो ये तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका, राइट हो जाएगा। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है 107। 107 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू ए पैरेलल सर्किट, यानी कि जो स्टेटमेंट दिए गए हैं इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो कि पैरेलल सर्किट के लिए करेक्ट है। तो हम लोग ऑप्शन से देखेंगे, तो जो इसका आप आंसर जो होगा 107 का डी आंसर राइट होगा। लिखा गया है द करेंट थ्रू एनी वन एलिमेंट इज लेस देन द सोर्स करेंट। अब हम लोग देखते हैं कि कैसे लेस होगा। सपोज करते हैं ये हमारा क्या है, रजिस्टर है, ठीक है। अभी मान लेते हैं आर वन है, ये रजिस्टर आर टू है, ये क्या है आर थ्री है, आर थ्री है। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, सप्लाई देते हैं। अब यहाँ से करंट फ्लो होगी, करंट फ्लो होगी तो इसमें आई वन करंट जाएगी, इसमें आई टू करंट जाएगी, इसमें क्या जाएगी, आई थ्री करंट जाएगी। यह आई आई करंट गई है तो पैरेलल में क्या हो जाता है, करंट डिवीजन हो जाएगा। यहाँ करंट कुछ और आएगी, यहाँ करंट कुछ और आएगी, यहाँ करंट कुछ और आएगी, क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, अलग अलग है, आर वन आर टू आर थ्री। तो बोला क्या गया, द करंट थ्रो एनी वन एलिमेंट इज लेस देन द सोर्स करंट, यानी कि जो सोर्स से करंट आई जा रही है, जो रजिस्टर के अक्रॉस, किसी एक रजिस्टर के अक्रॉस जो करंट होगी वो सोर्स करंट से कम होगी, ऑब्वियसली कम होगी, क्योंकि यहाँ आई जा रही है, यहाँ से क्या हो जाए, तीन रजिस्टर में डिवाइड हो जा रही है। तो ऑब्वियस है कि यहाँ पर आपका जो एक रजिस्टर के में करंट आएगी वो सोर्स रजिस्टेंस से क्या होगी, कम होगी। अब अन्य ऑप्शन को चेक कर लेते हैं, द करेंट थ्रो ईच एलिमेंट इज सेम, ये रॉन्ग है, ये सिर्फ सीरीज में होता है। द वोल्टेज अक्रॉस एलिमेंट इज इन प्रोपोर्शन टू इस रजिस्टेंस वैल्यू, रॉन्ग, ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग है। द इक्विवेलेंट रजिस्टेंस इज ग्रेटर देन एनी वन ऑफ द रजिस्टर, ये भी रॉन्ग है। ओके, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 108 क्या दिया गया, ये फेजर इज, फेजर क्या होता है, तो हम लोग क्या जानते हैं, फेजर ऐसी क्वांटिटी होती है जो कि हमारे क्या बताती है, मैग्नीट्यूड को भी बताती है, यानी मैग्नीट्यूड बताएगी आपकी, मैग्नीट्यूड को तो बताती ही बताती है, बस प्लस फेज को भी बताती है आपका, यानी कि ऑप्शन ए इज क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ए लाइन विच रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड एंड फेज ऑफ एन अल्टरनेटिंग क्वांटिटी, यानी कि कोई अल्टरनेटिंग क्वांटिटी है उसका मैग्नीट्यूड और फेज को कौन बताता है, फेजर बताता है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 109 क्या है, ए पैरेलल एसी सर्किट इन रेजोनेंस विल। अच्छा, इस क्या दिया गया है, जो एसी पैरेलल सर्किट है रेजोनेंस कंडीशन में क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, हैव ए हाई इम्पीडेंस, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कोई भी एसी सर्किट है, ठीक है, सपोज करते हैं इस तरह का कोई सर्किट है, ठीक, तो ये रेजोनेंस कंडीशन में जो कि हमारा क्या होगा, रेजोनेंस कंडीशन में हमारा इसमें जो इम्पीडेंस की वैल्यू क्या होती है, इम्पीडेंस की वैल्यू क्या होती है, हाई होती है रेजोनेंस कंडीशन में, ठीक है, इसमें इम्पीडेंस की वैल्यू हाई होती है। और पैरेलल रेजोनेंस की कंडीशन की बात हो गई, अगर हम सीरीज रेजोनेंस कंडीशन की बात करें तो सीरीज रेजोनेंस में जो इम्पीडेंस की वैल्यू लो होती है, बट पैरेलल रेजोनेंस कंडीशन में इम्पीडेंस की वैल्यू हाई होती है, इस वजह से जो हमारी करंट की वैल्यू होती है वो क्या होती है, लो होती है। ओके, अब हम लोग ये देखेंगे कि यहाँ पर इम्पीडेंस की इफेक्टिव इम्पीडेंस जो आती है उसकी वैल्यू क्या होती है, उसकी इफेक्टिव इम्पीडेंस की वैल्यू होती है एल अपान सी आर, ठीक है, आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी अपान इफेक्टिव इम्पीडेंस एल बाई सी आर, या इम्पीडेंस की वैल्यू क्या होती है हमारी, इम्पीडेंस की वैल्यू मैक्सिमम यानी कि हाई होती है, तो हमारी जो करंट की वैल्यू क्या होती है, मिनिमम हो जाती है। अब दूसरी चीज़, ये जो आर एल सी हमारा पैरेलल रेजोनेंस होता है, ठीक है, इस कंडीशन में हमारा ये किस चीज़ का मैग्नीफाई करता है, तो पैरेलल में क्या होता है हमारा, पैरेलल में हमारा करंट क्या होता है, डिफरेंट होता है, तो ये क्या करेगा, करंट का मैग्नीफिकेशन करता है, यानी कि आर एल सी पैरेलल सर्किट में क्या क्या क्वालिटी है, तो ये हो जाता है इसका इम्पीडेंस क्या होता है, हाई होता है, इम्पीडेंस हाई होने की वजह से जो इम्पीडेंस हाई होती है इसकी वैल्यू क्या होती है, एल अपान सी आर होता है, इम्पीडेंस हाई होने की वजह से इसमें करंट की वैल्यू क्या होती है, हमारी मिनिमम होती है, ठीक है, और हमारा इस ये क्या करता है, करंट का मैग्नीफिकेशन करता है, ठीक है, इतनी चीज़ें होती है। और एक चीज़ और, पावर फैक्टर क्या होती है, यूनिटी होती है,
चाहे आरएलसी सीरीज सर्किट हो या फिर आरएलसी पैरेलल सर्किट हो, दोनों में रेजोनेंस कंडीशन में हमारा जो पावर फैक्टर की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 110 को देखते हैं हम लोग। लिखा गया है, वायर वाउंड रजिस्टर्स आर अनसुटेबल फॉर यूज एट हाई फ्रिक्वेंसीज बिकॉज, तो इसका जो ऑप्शन डी होगा वो राइट होगा, यानी कि एग्जिबिट अनवांटेड इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव इफेक्ट, यानी कि वायर वाउंड रजिस्टर जो है कि हाई फ्रिक्वेंसी पर जो इसका यूज है अनसुटेबल है, क्योंकि इसमें क्या आ जाते हैं, इंडक्टिव और कैपेसिटिव इफेक्ट आ जाते हैं। तो हम लोग देखते हैं कैसे आता है। तो सपोज करते हैं क्या है हमारा वायर बाउंड, क्या है रजिस्टर है, ये क्या है हमारा वायर बाउंड रजिस्टर है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें एसी सप्लाई देते हैं, क्या एसी सप्लाई देते हैं, यानी कि करंट आई फ्लो कराते हैं। ओके, करंट जब आई फ्लो कराएंगे इसमें हम लोग, तो यहाँ पर क्या मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होने की वजह से इसमें क्या पल्सेटिंग फील्ड जनरेट होंगे, यन यस साउथ नॉर्थ नॉर्थ साउथ इस तरह का जनरेट होगा। इसकी वजह से हमारा क्या हो जाएगा, एक्सएल आ जाएगा, ठीक है एक्सएल आ जाएगा, यानी कि क्या कैसा इफेक्ट आ गया, इंडक्टिव इंडक्टिव इफेक्ट आ गया यहाँ पर हमारा। अब देखिए पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होने की वजह से यहाँ पर क्या एक ईएमएफ जनरेट होगा। ईएमएफ जनरेट होने की वजह ईएमएफ क्या करेगा, अपने कॉज का अपोज करेगा, अपने कॉज मतलब कि जो करंट हम लोग दे रहे हैं उसी का विरोध करेगा, यानी कि लेंज ला यही बोलता है। तो ईएमएफ जनरेट होगा जो कि अपने कॉज का अपोज करेगा, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होगी, जो कि ये करंट फ्लो हो रही है उसका अपोज करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या एक्सएल आ गया, मतलब कि इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो यहाँ से इंडक्टिव इफेक्ट आ गया। अब हम लोग कैपेसिटिव इफेक्ट देखते हैं, तो कैपेसिटिव इफेक्ट क्या होगा, कैपेसिटिव इफेक्ट इस तरह से होगा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ देखें वायर वाउंड किया गया है, अगर इन टर्न्स के बीच में देखें, इन दोनों के बीच में देखें, तो यहाँ पर एयर होगा, ठीक है। अब एयर होगा ये, तो एयर कैसा बिहेव करेगा, एयर बिहेव करेगा डाई इलेक्ट्रिक की तरह बिहेव करेगा, कैसा डाई इलेक्ट्रिक की तरह बिहेव करेगा। तो इन दोनों के बीच में क्या बन जाएगा हमारा, कैपेसिटिव इफेक्ट आ जाएगा, ठीक है। कैसा आ जाएगा, कैपेसिटर की तरह बिहेव करेगा, यानी कि कैपेसिटिव इफेक्ट आ जाएगा हमारा। ओके, तो यहाँ पर जो हमारा क्या हो जाता है, अनवांटेड इंडक्टिव एंड अनवांटेड कैपेसिटिव इफेक्ट आ जाता है। इसलिए हम लोग वायर वाउंड रजिस्टर का जो उपयोग होता है अनसुटेबल होता है हाई फ्रिक्वेंसी पर, क्योंकि हम लोग जब यहाँ पर अल्टरनेटिंग करंट दे रहे हैं, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, मैग्नेटिक पल्सेटिंग फील्ड जनरेट हो रहा है, जिसकी वजह से हमारा क्या आ जा रहा है, एक्सएल आ जा रहा है, इंडक्टिव इफेक्ट आ रहा है। और इस कॉयल के बीच में हमारा क्या आ जा रहा है, कैपेसिटिव इफेक्ट आ जा रहा है, तो इस वजह से हम लोग का क्या है, अनसुटेबल है। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही, आज के लेक्चर में इतना ही, अब नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे के क्वेश्चन जो भी है कवर करेंगे हम लोग। तो अगर आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोई भी PDF या फिर जॉब अपडेट या फिर स्टडी मटेरियल चाहिए, तो आपको इलेक्ट्रिकल कैप्सूल के ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल सकता है, तो आप वहाँ जा कर के विजिट कर लीजिए। तो फाइनली वीडियो देखने के लिए थैंक्स।